तो नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ जवेर जाफरी और आप इस वक्त मेरे चैनल पर हैं। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूँ। तो आज का जो टॉपिक हमने वही रखा है कि ऑन पैसिव में अगर हम कहीं ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं किसी को, अगर किसी को इसके अंदर एंट्री करवा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब ये कहने का है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो हम गलतियां कई बार कर चुके हैं पहले भी, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाले, खासकर उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग काफी कुछ किया और अभी भी कर रहा हूं कहीं ना कहीं। तो ये चीज है हमारे माइंड से तो पहले हटा दीजिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। तो जब भी आप कुछ किसी बंदे को लेकर के आए ऑन पैसिव में, तो मैं कुछ 4-5 पॉइंट जो मैंने कवर किए, जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा, शायद ऐसा हो सकता है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या सोचते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये आपके विचारों, ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कुछ 4-5 पॉइंट है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। तो जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी को भी ऑन पैसिव में लेके आए, तो उसे ये चीज तो क्लियर कर दीजिए भाई साहब कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान नहीं है। हालांकि आप सब जानते हैं, जो आप फाउंडर्स हैं जो इसमें आ चुके हैं, वो जानते हैं कि ये कहीं भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, लेकिन कई लोग इसको ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि यार तुम 3, 4, 6, 8, 10 लोग जोड़ लो तो लाइफ बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि हमारा इसका जो मोटो है आपने देखा होगी, वी आर इन इट टू विन इट, मतलब एंट्री करते हैं तो ही आप विनर हो जाते हैं। तो ये क्यों नहीं एमएलएम में, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये भी क्वेश्चन मेरे पास आया था। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती, तो पहली बात तो ये कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, 2018 से इसकी प्रोसेस चल रही है, और दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड करके रखती है, मतलब कि रजिस्टर तो करवा लेती है, जैसे करोड़ों रजिस्ट्रेशन तो ऑन पैसिव में भी डले हुए हैं, जिसमें पेड आईडियां करीबन 4,12,000, 15,000, अब पता नहीं कितने, 4,17,000 के समथिंग हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पहली बात तो, कि जो इतने सारे पेड जो है बंदों को लेकर के और आ गई हो, है ना। तो पहली बात तो यहाँ मल्टी लॉगिन है। दूसरी बात यह है कि और भी कई कंपनियां हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां की, जो लोगों को जोड़ती हैं, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां हैं। तो आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं, और साथ में इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बिल्कुल नहीं है। कंपनी की आज आपने पैसे डाले और कल से आना शुरू हो जाएंगे, ये क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक और ये है, ये टोटली आईटी सेक्टर की कंपनी है। जैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो मैंने दे रखे हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा, और जो फाउंडर लोग हैं वो तो ये जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक डाउट होता है कहीं ये कि यार जब अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, तो फिर ये फाउंडर क्यों बना रहे हैं। तो इसका भी वीडियो बना रहे हैं, तो फाउंडर भी आपको बना रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। अगर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी अगर होती है, तो जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती, लॉन्च होने के बाद में, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्च होने के बाद में वो सारी कंपनियां जो है कहीं ना कहीं और जो है लोगों को जोड़ना शुरू कर देती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना करना शुरू कर देती है। मतलब लॉन्च होने के बाद तो असली उनकी कहानी शुरू होती है लोगों को जोड़ने की, राइट। लेकिन यहीं पर आप नोट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऑन पैसिव जब आप ज्वाइन करा रहे हैं किसी को, या हम कर रहे थे या हमने किया है, तो ऑन पैसिव की खास बात क्या है कि जिस दिन भी कंपनी लॉन्च हो गई, सॉफ्ट लॉन्च की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्च की बात कर रहा हूँ, जब भी लॉन्च होती है, तो लॉन्च होने के बाद आप कभी भी किसी भी कंपनी में आप किसी और को फाउंडर नहीं बना सकते हैं। और जिस दिन भी कंपनी लॉन्च हो गई, तो आपकी जो वेबसाइट अभी आप देख रहे होंगे gofounder.net, वो उठ करके सीधे ऑन पैसिव में आ जाएगी। जो फाउंडर्स हैं वो इस बात जानते हैं। तो नए बंदे को आप जब भी लाएं, तो उन्हें ये चीज़ क्लियर कर दीजिए, देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए नहीं है कि ये कंपनी लॉन्च होने के बाद कभी आप लाइफ में फाउंडर नहीं बना सकते हैं, किसी और को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसी से ये साबित हो गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं। तो इससे ज़्यादा लंबा कवर नहीं करूँगा, और दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ जो मैंने देखा है पर्सनली, जो मुझे लगा है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आप जब भी किसी को $97 से यहाँ पे लाएं, अभी तो शायद $105, $102 लग रहे हैं अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसे ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि भाई $97 के बाद में आपको जो सेकेंड पैकेज है वो है $100 से लगा करके $250, $100 से लगा के $250 के बीच में आपको एक बार और कहीं ना कहीं पैकेज परचेज करना पड़ेगा। कई लोग एक्साइटमेंट में और ज़बरदस्त जोश में ज्वाइन तो करा देते हैं, पर उनको ये चीज़ क्लियर नहीं करते हैं। कई लोगों से मेरे पास ऐसे फ़ोन भी आया और मेरा मेल भी आया, और वो यही बोल रहे थे कि सर ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। तो जिस किसी को भी आप ज्वाइन कराते हैं, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखिए मेरे दोस्तों, मेरे फाउंडरों, कि सबसे पहले उनको ये क्लियर कर दीजिए। हालांकि जब वो आप उसे कुछ वीडियो भेजेंगे, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है
कि ए उसमें जिसमें मेरी जस्सी जी से बात हुई है उसमें क्लियरली ये सारी बातें क्लियर हैं कि उन्होंने भी, जस्सी सर ने ये भी बताया था इन्होंने कि आप जो $97 उसके बाद में आपको $100 to $250 के बीच में एक बार और पैकेज परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके बारे में और बहुत सारे आपके वीडियोज मिल जाएंगे, तो किसी को भी आप लाएं तो ये चीज भी पहले आप क्लियर कर दीजिए, बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो मैं देखा है, मैंने जहां तक जानता हूं कि इसके अंदर है आपका $149। जब कंपनी लॉन्च होने वाली होगी उसके पहले होगी सॉफ्ट लॉन्च, उसका आपको मेल आ जाएगा 72 घंटे पहले या 48 आवर्स के पहले जो भी हो वो आपको मेल आ जाएगा। तो उसके बाद में आप लाइफ में कभी भी प्राइमरी फाउंडर नहीं बन सकते, $97 से फाउंडर नहीं बन सकते, उसके बाद में सेकेंडरी फाउंडर $149 से बनेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, जब आप किसी बंदे को लाया कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं सेकेंडरी फाउंडर बनूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसको ये चीज भी क्लियर कर दीजिए। आप सेकेंडरी फाउंडर बनते हैं तो आपको यहाँ पर $149 पे करने पड़ेंगे और उसके बाद में भी आपको जो है जो $100 से $250 के बीच में जो भी पैकेज होगा वो एक बार तो आपको वन टाइम परचेस करना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम वो उसे भी परचेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सेकेंडरी फाउंडर में आया तो उसको पैकेज परचेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फाउंडर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर भी हैं, राइट। कस्टमर होने की वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं पैकेज को परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन होगा, एक और जो कई लोग गलती करते हैं क्योंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से निकले हुए लोग हैं तो उनके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ वो बड़ा एक्साइटमेंट में प्लान दिखा देते हैं, अरे अभी तू तो कर ले बस अभी देखेंगे बाद में जो होगा। ऐसा मत करिए, किसी को हमको इसमें जबरदस्ती नहीं लाना है, पूरा स्टडी कीजिए देखिए और उसके बाद में इसके अंदर एंट्री कीजिए, क्योंकि इसके अंदर कई लोग बताते हैं कि फिक्स अमाउंट है, देख तू आज आईडी डाल ले जिस दिन भी कंपनी लॉन्च होगी तो तेरा महीने का फलाना फलाना जो भी इतने ₹1,00,000 ₹2,00,000 ₹10,00,000 महीना आएगा, अप्रॉक्सली भी कहीं बताए नहीं। हालांकि आप जो कई वीडियो देखेंगे उसमें कई लोगों ने जो बना के रखे हैं कि आप महीने में इतना करोड़ों कमाएंगे इतना कमाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंपनी का अभी पूरी तरह से प्रॉपर जो प्लान है वो लॉन्च नहीं हुआ है, अभी जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारा आपको दिखने लग जाएगा कितना प्रकार की किस तरह की इनकम हो रही। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें ₹10,00,000 ₹3,00,000 ₹2,00,000 महीने का आएगा या ₹8,00,000 महीने का आएगा, ऐसा फिक्स कहीं भी नहीं है, ना कंपनी ने कहीं डिक्लेयर किया है, सब अपना जो कैलकुलेशन लगा रहे हैं अपना मैथ्स लगा रहे हैं, भैया ऐसा 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 होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तो इस चीज़ का बॉस स्पेशली ख्याल रखिए, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखिए दोस्तों, तो आपको बड़ी आसानी होगी ऑन पैसे में लोगों को ज्वाइन कराने में, और किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाना है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से आते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, ये उनका नजरिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, इसे कभी प्रमोट मत करिए, $97 जो है इसमें, उसके बाद में आपको 100 से $250 तो पे करना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए जो $250 है $250 का ही बताएं, क्योंकि होगा कि कंपनी अगर लॉन्च हो और उसने पता चला कि $100 का पैकेज, आपने बोला था कि यार तुमने तो बताया था मुझे $100 का पैकेज करना पड़ेगा, लेकिन पता चला वो $250 का हो गया, तो बेहतर ही है सामने वाले को $250 ही बताइए, अगर कम होगा तो आपके माथे नहीं आएगा, अपनी लैंग्वेज में अगर हम बात करें आपके माथे नहीं आएगा, ठीक है यार आपने मुझे बताया था $250, राइट। तो इस टाइप से बताइए, और $149 का भी ख्याल करिए कि सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद में जो है एग्जैक्टली प्लान थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगेगा, तो $149 से जब भी आप सेकेंडरी फाउंडर बनाएं तो उन्हें भी ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि भाई आपको $200-$250 $100 वो आपको पे करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए वही $250 का बात में बताइए। और फाइनली ये चीज़ कभी मत बताइए कि कितना अमाउंट होगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होने वाली सर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा प्लान है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आप एक दिन में $1 भी कमा सकते हैं, 100 भी, 1000 भी, 2000 भी, कोई लिमिट नहीं है, और कितनी कमाई है मैं भी नहीं बता सकता हूँ, अप्रॉक्सली बता रहा हूँ। तो जिस किसी को भी आप लगाएं बुलाएं तो उसे फिक्स अमाउंट कुछ भी नहीं बताएं, और ये कहें कि बहुत ज़्यादा तू ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी ऐसा प्रमोट नहीं करें दोस्त, ये एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, राइट, प्योर एंड 101% बिजनेस है। इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही कीजिए, आप एक कंपनी के ऑन पैसिव के फाउंडर है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है कि इसमें हम किसी से वादे करके और ऐसा करके और वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्त। यहाँ पर एक फाउंडर हमको एक है तो उसका तरह का हमको एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो उस तरह का, उस लेवल का रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी उस लेवल की है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस कंपनी में आ गए और इसके फाउंडर बन गए हैं, तो जब किसी को आप इसमें ज्वाइन करा रहे हैं तो
ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि झूठ बोल करके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कभी मत लेके आना दोस्त। और हो सकता है कि कोई इस तरह से प्रमोट कर रहा हो तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना। कोई मुझे भी बोलेगा कि यार आप भी तो बता, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ दोस्त कि गलत तरीके से मत लेकर के आओ किसी को। और जिस किसी को भी लाओ तो पूरा स्टडी करो पहले, आप देखो ये प्लान क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह समझिए देखिए, उसके बाद में ही किसी को शेयर कीजिए। क्योंकि उसके बाद जो होने वाला है, कंपनी लॉन्च होगी तो उसके बाद तो धूम धड़ाका बम पटाखे सब फूटने वाले हैं, है ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गो फाउंडर का, आप जुड़िए। आप जैसे ही जुड़ते हैं हमारे साथ में तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे मेल आ जाएगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर देंगे और फिर हम हमारे साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जिस किसी ने भी इसको बताया है और पैसिव के बारे में आपको, तो आप उनसे जुड़कर भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके।